नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टोटल हेल्थ सॉल्यूशंस पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ खाद्य पदार्थों के कॉम्बिनेशन को लेकर जिसको आयुर्वेद सही नहीं मानता। आजकल की फास्ट लाइफस्टाइल में हम कुछ भी अनाप शनाप खा लेते हैं जिसका शरीर पर एडवर्स इफेक्ट है वो पड़ता है और बाद में गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी या अन्य डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज है वो फेस करने को मिलते हैं। आज की वीडियो में कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशन भी मैं आपको बताने वाला हूं जिसको लंबे टाइम तक अगर फॉलो किया जाए तो हड्डियों में स्टिफनेस, एलर्जी, यहां तक कि स्किन डिजीज भी हो सकती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अपने मुख्य टॉपिक की। पहला जो फूड कॉम्बिनेशन है वह है फ्रूट सलाद और खाने का। आपको कभी भी मील के बाद में सलाद की जगह आपको फ्रूट का सेवन है वो नहीं करना है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सलाद के रूप में वेजिटेबल्स का सेवन करना खाने के बाद में अच्छा रहता है, लेकिन अगर आप मीठे रस वाले फलों का सेवन करते हैं खाने के बाद में तो यह जरा भी अच्छा नहीं रहता। इन दोनों का कॉम्बिनेशन पाचन को धीमा कर देता है, साथ ही गैस जैसी प्रॉब्लम को भी प्रमोट करता है। दूसरे फूड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं जिसको गलती के साथ भी आपको नहीं खाना है, यह है दूध और दही का कॉम्बिनेशन। दूध एक ऐसी चीज है जिसका मेल बहुत सारी अन्य चीजों के साथ में कंफर्टेबल नहीं रहता, इसलिए ध्यान रखें कि मिल्क पीने के आधा घंटा पहले और बाद में कुछ न खाएं। अगर आप दूध पीने के बाद में दही पी लेते हैं या दही के तुरंत बाद में दूध पी लेते हैं तो उल्टी होने या फिर स्टोमच को इरिटेट करने को यह प्रमोट कर सकता है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि दूध के साथ में नींबू का सेवन भी कभी नहीं करना है। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो अनजाने हो जाती हैं, बाद में इसका भुगतान है वो आपके पेट को करना पड़ता है। तीसरा फूड कॉम्बिनेशन जो आजकल मॉडर्न यूथ में बहुत ही ट्रेंड पर है और बड़ी फास्ट फूड कंपनियां इसको बहुत ही प्रमोट भी करती हैं, हाई लेवल पर एडवर्टाइज भी करते हैं और लोग इसके कारण अट्रैक्ट भी होते हैं, यह कॉम्बिनेशन है पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का कॉम्बिनेशन। पिज्जा में कार्ब्स, प्रोटीन और स्टार्च होता है जिसके साथ में अगर सोडा को मिक्स कर लिया जाए तो यह कॉम्बिनेशन है वो वर्स हो जाता है, बिकॉज सोडा के अंदर शुगर देखने को मिलती है और इनका कार्ब्स, प्रोटीन और स्टार्च के साथ में मेल है वो नहीं होता। तो इस कॉम्बिनेशन का भी आपको ध्यान रखना है जो कि एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन तक को प्रमोट करने का काम है वो कर सकता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे दो ऐसे ड्रिंक्स के कॉम्बिनेशन की जो है तो बहुत ही सिंपल, लेकिन लंबे टाइम तक अगर लापरवाही करें तो सिचुएशन है वो वर्स हो सकती है। यह है चाय के तुरंत बाद में नॉर्मल या फिर ठंडा पानी पीने की आदत। यह एक ऐसी आदत है जो बड़ों को होती है, खास करके बच्चों को यह आदत है वो बहुत ज्यादा होती है। आपको तो पता ही है कि खाने के तुरंत बाद में ठंडा पानी आपके पाचन को स्लो और जठराग्नि को मंद कर देता है। यहाँ पर यह भी देखने लायक है कि वाटर आफ्टर ड्रिंकिंग टी इज ऑल्सो नॉट गुड। यह आपके दांतों के लिए हानिकारक सिद्ध होता है, बिकॉज गर्म चाय पीने के बाद में दांतों के पास में गर्माहट होती है, दांत गर्म होते हैं और ऊपर से ठंडा पानी पीते हैं तो गर्म वस्तु के ऊपर ठंडा पानी डालने जैसी सिचुएशन यहाँ पर हो जाती है, जो कि दांतों को कमजोर करने और आपके आमाशय को अनकंफर्ट करने को लेकर यह सिचुएशन है वो प्रमोट करती है। मिल्क प्लस बनाना का कॉम्बिनेशन भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। यह वेट गेन करने वाले और जिम लवर्स खास तौर पर इसको फॉलो करते हैं। बहुत से लोगों के लिए पाचन करना है वो मिल्क प्लस बनाना का आसान हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन को यह सूट नहीं करता। आयुर्वेद इस कॉम्बिनेशन को जरा भी अच्छा नहीं मानता, यह हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, साथ ही दूध के जमने को जो केला है वो प्रमोट करता है। इसलिए इन दोनों के बीच में कम से कम 30 मिनट का गैप है वो आपको रखना है, जिससे कि दोनों के हेल्थ बेनिफिट आपको मिले, केले के भी मिले और मिल्क के भी मिले। अगर आप नॉन वेज है तो मछली और दूध का कॉम्बिनेशन भी कभी भी अच्छा नहीं रहता, तो आपको इस चीज के बारे में भी अवेयर रहना है। अब हम लास्ट फूड कॉम्बिनेशन की बात करते हैं जिसको आपको फॉलो नहीं करना है और अवेयर रहना है, यह है टमाटर के साथ में कुकुम्बर, वाटरमेलन और दूध का कॉम्बिनेशन। कुकुम्बर, वाटरमेलन और दूध, इनके साथ में टमाटर का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। इन चीजों को कभी भी कंबाइंड आपको सेवन है वो नहीं करना है। यह थे कुछ वर्स फूड कॉम्बिनेशन जिनको जितना अवॉइड किया जाए उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा टिप्स भी यहाँ पर दे रहा हूँ जो है आपको कभी भी हनी को ज्यादा गर्म करके यानी कि शहद को ज्यादा गर्म करके इसका सेवन नहीं करना है। इसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपको शहद के साथ में गाय के घी का सेवन भी कभी नहीं करना है। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड कभी भी गलती से भी कोई भी लापरवाही नहीं होगी और डाइजेशन से रिलेटेड आपको कोई भी इश्यू है वो नहीं आएगा। ऐसे ही बढ़िया और क्वालिटी वीडियो के लिए टोटल हेल्थ सॉल्यूशंस को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।